नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धाकड़। दर्शकों, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमने आपको वीडियो दिया था कि किसानों को परंपरागत खेती से हटकर के कोई खेती करने की ज़रूरत है, क्योंकि परंपरागत खेती में उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो हमने आपको बताया था कि अगर आप औषधीय फसलों की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और दर्शकों, उस वीडियो के नीचे काफ़ी हमारे किसान भाइयों ने और दर्शक बंधुओं ने कमेंट किए थे कि अश्वगंधा की खेती के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करवाएं, जिससे कि हम भी खेती कर सकें और अच्छा लाभ कमा सकें। तो दर्शकों, इस वीडियो में मैं आपके सामने शुरू से लेकर के अंत तक अश्वगंधा की खेती किस प्रकार से की जाती है उसकी जानकारी लेकर के हाजिर हो गया हूं। दर्शकों, किसान भाई जो भी वर्तमान में खेती कर रहे हैं अश्वगंधा की, उनसे ये जानकारी ली है, लेकिन दर्शकों, उन्होंने अपना नाम बताने से इनकार किया है, इसलिए उनका नाम नहीं बता पाएंगे वीडियो में, लेकिन उनका जानकारी देने के लिए आभार जरूर व्यक्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छे से शुरू से लगा करके अंत तक की जानकारी उपलब्ध करवाई है। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सोयाबीन के टाइम पर आप कौन सी फसल लें, तो दर्शकों, अश्वगंधा की खेती जो है दो प्रकार से की जाती है, एक बारिश के मौसम में और एक बारिश के मौसम के बाद में जो ठंड के समय में निकलती है, और ठंड के समय में ही उसको लगाया जाता है जो 4 से 5 महीने में तैयार हो जाती है। तो दर्शकों, बारिश के समय में जो अश्वगंधा लगाई जाती है उसमें इतना ज़्यादा उत्पादन और इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं बन पाती है। तो दर्शकों, आज हम आपको सबसे पहले जो जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं वो हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं सर्दी की अश्वगंधा की खेती के बारे में, जिसमें काफ़ी अच्छा उत्पादन, काफ़ी अच्छा भाव और काफ़ी अच्छी क्वालिटी प्राप्त होती है। तो दर्शकों, यह खेती किस प्रकार की जाती है, कब इसको लगाया जाता है, किस प्रकार से खेत तैयार करना है, किस प्रकार से खाद देना है, कितना उत्पादन है, सिंचाई किस प्रकार से करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा साथ में ताकि पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार की जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं अश्वगंधा की खेती की जानकारी के बारे में। तो आइए दर्शकों, शुरुआत करते हैं। दर्शकों, उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप इस फसल के बारे में पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं फसल के प्रकार की। जो है ये अश्वगंधा की फसल, ये दो प्रकार से ली जाती है। पहली फसल जो होती है वो बारिश के समय में, और दूसरी फसल जो होती है वो सर्दी के मौसम में ली जाती है। दर्शकों, ज़्यादा फायदा जो है वो सर्दी की फसल में होता है, सर्दी की फसल का उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आज हम सबसे पहले जो आपको जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं वो सर्दी की फसल के बारे में उपलब्ध करवा रहे हैं। तो दर्शकों, शुरुआत करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, प्रत्येक पॉइंट में इसमें कवर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कोई भी जानकारी छूट ना पाए। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है फसल बुआई का समय। इसमें दो तरीके हैं। अगर आपने इससे पहले सोयाबीन लगाया, इस फसल को बोने से पहले अगर सोयाबीन की खेती की है, तो यह जो फसल है वो 15 अक्टूबर के बाद में बुआई होगी, जो कि 1 नवंबर तक की जा सकती है। लेकिन यदि आपने उड़द की फसल ली है तो वह थोड़ी जल्दी पककर के तैयार हो जाती है और जल्दी आ जाती है, तो आप इस अश्वगंधा की फसल को 1 अक्टूबर के आसपास और 15 अक्टूबर तक लगा सकते हैं। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है खेत की तैयारी। इसमें कोई ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, खेत की 1 या 2 हकाई पर्याप्त होती है, जो हम नॉर्मल हकाई करते ही हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट जो है वो है बुआई की विधि। दर्शकों, बीज की बुआई करने के लिए जो है 4 से 5 किलो बीज प्रति बीघा के हिसाब से खेत में डालें। खेत में जो डालना है उसकी जो विधि है वो फुकाई विधि है, जो हम खेत में बीज फूक करके बोते हैं या फिर फेंकते हैं, जो उस प्रकार से जो बोया जाता है फुकाई विधि से, उस प्रकार से इसकी बुआई करनी है। 4 से 5 किलो बीज जो है प्रति बीघा के लिए पर्याप्त तो होता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है सिंचाई। दर्शकों, सिंचाई की अगर हम बात करें तो बीज डालने के बाद इसकी क्यारियां बना लेवें, और उसके बाद जिस दिन बीज डाला है उसी दिन सिंचाई करें, फिर उसके बाद 6 से 8 दिन में एक और सिंचाई करें, 12 से 15 दिन में पौधा निकलना शुरू हो जाएगा, जो आपको नजर आने लगेगा। उसके बाद 20 दिन के अंतराल पर लगातार सिंचाई करें। बात करें टोटल सिंचाई की, तो टोटल सिंचाई 4 से 5 इसमें की जाती है, जो कि फसल के लिए पर्याप्त होती है, और उसके बाद में आप 4 से 5 सिंचाई करने के बाद में सिंचाई को रोक देवें।
अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है वो बीज कहाँ से मिलेगा, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बीज किसी भी बीज भंडार से आपको प्राप्त हो जाएगा। और अगर बीज भंडार से आप नहीं लेते हैं या फिर वहाँ से प्राप्त नहीं होता है, तो वर्तमान में जो कोई भी किसान इसकी खेती कर रहा है उससे आपको आसानी से बीज प्राप्त हो जाएगा। आप अगर आपको बीज चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको बीज अरेंज करवाने की, जिससे कि आपको आसानी से बीज प्राप्त हो सके। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है उपयुक्त मिट्टी का। उपयुक्त मिट्टी, वैसे तो ये फसल जो है सभी प्रकार की मिट्टियों में हो जाती है, लेकिन अगर मिट्टी लाल हो तो बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि लाल मिट्टी में नमी अधिक होती है, अधिक दिनों तक नमी रहती है, लेकिन काली मिट्टी में नमी जल्दी से उड़ जाती है, खत्म हो जाती है, तो काली मिट्टी में एक सिंचाई अधिक करना पड़ सकती है। अगले कदम की ओर बढ़ते हैं, जो अगली इसकी जो है प्रक्रिया है, अगला जो पॉइंट है वो है रोग। दर्शकों, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, इसमें वैसे तो कोई रोग लगता नहीं है, लेकिन फफूंद की वजह से कभी कभार कहीं कहीं जिस खेत में परेशानी होती है, शिकायत होती है, तो पौधा खराब हो जाता है। तो उससे पहले आप अपने खेत का जो है जांच कर लेवे, अगर फफूंद की शिकायत हो तो फफूंद नाशी दवा का उपयोग बुआई से पहले कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है फसल सुरक्षा। कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि किसान भाई ने बताया है, क्योंकि नील गाय, जिसे हम रोजड़ा भी कहते हैं, घोड़ा रोज भी कहते हैं, देशी गाय, भैंस, बकरी, कोई इसको मुंह तक भी नहीं लगाता है, तो जो है जानवरों से ये पूरी तरह सुरक्षित रहता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पकने का पता कैसे लगेगा। तो पकने का पता ऐसे लगेगा कि 4 माह के बाद में पौधे को उखाड़े, उखाड़ करके जड़ को तोड़ करके देखें, जड़ अगर आसानी से टूट जाती है तो पौधा तैयार हो चुका है, उसके बाद में आप इसकी हार्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग कैसे करना है, खेत से कैसे निकालना है, उसकी जानकारी हम समझ लेते हैं। ट्रैक्टर या किसी और अन्य माध्यम के जो है आप नहीं निकालें, मजदूर की सहायता से खेत में से इसे उखड़वाएं और उखाड़ते समय ही इसे हाथों हाथ काटते रहें, पौधे से अलग करते रहें। अगर आप हाथों हाथ पौधे से अलग नहीं करेंगे तो बाद में इसमें थोड़ी ज़्यादा समस्या आ सकती है। अब बात करते हैं कटिंग और तैयारी की। जो जड़ें आपने काट करके पौधे से अलग तैयार कर ली है, उसके बाद में उसकी कटिंग किस प्रकार से करना है, क्योंकि दर्शकों वैसे तो माल आप सीधा अगर लेकर के जाएंगे, सीधी जड़ें, तो भी बिक जाएगी, लेकिन उसका भाव थोड़ा डिफरेंस रहता है, कम मिलता है। लेकिन अगर आप क्वालिटी बना करके तैयार करके लेके जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा जो है मिल सकता है। तो आप सबसे पहले जड़ों को सुखा लेवें, सुखाने के पश्चात उन्हें आप पैरों से, किसी अन्य माध्यम से और किसी भी तरीके से उन्हें तोड़ सकते हैं। तोड़ने के पश्चात आप टेबल फैन लगाएं, टेबल फैन के सामने आप इसे उड़ाएं। उड़ाने से अर्थ है हम इसे जब फटकारते हैं उस प्रकार से, तो जब हम इसे उड़ाएंगे टेबल फैन में, तो जो हल्के तार टाइप के माल होते हैं वो थोड़े दूर जाकर के गिर जाएंगे, और जो बड़ा मोटा माल होता है, जो भारी माल होता है, जो अच्छा माल होता है, वो वहीं पर गिर जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास में दो क्वालिटी तैयार हो जाएगी, एक तो बढ़िया माल जो अच्छा सुपर क्वालिटी का है वो, और दूसरा जो है तार टाइप का और बारीक टाइप का हल्का माल, वो दोनों को अलग अलग बोरों में पैक करके स्टोरेज कर सकते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो वो है कि उत्पादन कितना होता है। तो दर्शकों उत्पादन की बात करते हैं। उत्पादन अगर अच्छी तैयार पकी फसल है, बढ़िया तरीके से पकी है, अच्छी पकी है, तो 4 क्विंटल तक उत्पादन इसमें देखने को मिलता है, जिसमें कि 1.5 से 2 क्विंटल तो मोटा माल आपको प्राप्त हो जाता है, और बाकी का जो बचा हुआ माल है लगभग 1 से 1.5 या 2 क्विंटल, वो लगभग जो है हल्का माल, पतला माल, तार टाइप का, वो आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये रही उत्पादन की बात। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है माल विक्रय करने की जगह। सबसे बड़ी समस्या, सबसे ज़्यादा किसान भाइयों तक जो है द्वारा पूछा गया सवाल है कि माल को विक्रय कहाँ करें भैया। माल बो तो लेंगे, बुआई भी कर लेंगे, माल तैयार भी कर लेंगे, उत्पादन भी ले लेंगे, लेकिन बेचेंगे कहाँ? तो इन सभी सवालों का एक जवाब है, वो है हिंदुस्तान की, मध्य प्रदेश की, नीमच जिले की कृषि उपज मंडी, नीमच मंडी। आप कोई भी औषधीय फसल का उत्पादन कीजिए, तैयार होने के बाद में आप उसे जिस दिन बेचना चाहें गाड़ी में डालिए, नीमच मंडी आइए, औषधीय मंडी में ढेर कीजिए,
नीलाम में आपकी फसल बिकेगी और आपको तुरंत उसी दिन उस माल का भुगतान भी कर दिया जाएगा। तो कोई चिंता वाली आवश्यकता नहीं है माल को बेचने के लिए। अगला जो पॉइंट है वो है भाव का, कि फसल का भाव क्या रहता है। तो वैसे तो दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, अश्वगंधा की फसल 5000 रुपये से लगाकर नीचे में ऊपर में 32000 रुपये तक भी देखने को मिली है। अभी वर्तमान के भाव की बात करें तो पतले तार टाइप के जो माल है वो 5000-6000 रुपये से लगा करके 15000 रुपये के बीच में बिक रहे हैं। बढ़िया मोटा माल जो है वो 15000 रुपये से लगा करके 20000 रुपये तक बिक रहा है। एक्स्ट्रा क्वालिटी जो होती है इसमें, जो साफ माल लाया गया हो, तैयार करके लाया गया हो, कटिंग बढ़िया की गई हो और माल के अंदर पाउडर, जब इसकी जड़ को आप तोड़ेंगे उसे बीच में से देखेंगे तो बिल्कुल वाइट अंदर जो है मटेरियल होता है, वही सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है औषधियों में। अगर उस पाउडर की मात्रा अच्छी है और फसल अच्छी पकी है तो वो माल 25000 रुपये से लगा करके 30000 रुपये के बीच में बिकता है। और दर्शकों अब बात करते हैं जो है अन्य फसलों से तुलना की, क्योंकि हम इस सीरीज में बात ही कर रहे हैं कि किस प्रकार से परंपरागत फसलों से हट करके औषधीय फसलों की अगर खेती की जाए तो कितना फायदा हो सकता है। तो दर्शकों जिस समय की मैंने बात की है, जिस समय इस फसल को हम उगाते हैं उस समय परंपरागत फसलें गेहूं चना का हम उत्पादन लेते हैं। तो गेहूं की अगर बात की जाए तो 18000 रुपये से 22000 रुपये प्रति बीघा के मान से हम फायदा ले लेते हैं। चना की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 12000 से 15000 रुपये प्रति बीघा का चना जो है उत्पादन हो जाता है। वैसे तो इतना नहीं होता है लेकिन हम अधिक से अधिक मानकर भी चले तो 12 से 15000 रुपये का चना हो जाता है। लेकिन दर्शकों अगर आप अजगन का उत्पादन करते हैं, अजगन की अच्छी क्वालिटी और अच्छा उत्पादन लेते हैं तो कम से कम आप मान करके चले कि 60 से 70 हजार रुपये का शुद्ध मुनाफा आपको अजगन की फसल दे करके जाती है। तो दर्शकों अश्वगंधा की फसल को बोकर आप परंपरागत फसलों से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, ये तो आपको अच्छे से पता लग गया है। और दर्शकों साथ ही ये जो फसल है इसमें हम अन्य फसलों की तुलना में काफ़ी कम मेहनत लगती है, काफ़ी कम मेहनत के अंदर ये फसल तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से ये किसान भाइयों के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। तो दर्शकों ये थी पूरी जानकारी अश्वगंधा की फसल की, जो मैंने आपको सबसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। वैसे तो काफ़ी जो है वीडियो भरे पड़े हैं YouTube पर, लेकिन मैं एक आसान भाषा में हमारे किसान भाइयों को समझाने की कोशिश करता हूं, जो मैंने इस वीडियो में भी की है। तो दर्शकों मेरा आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आज तक नीमच मंडी भाव का कोई भी वीडियो मिलियंस में नहीं गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी किसान भाई मिलकर के इसे इतना शेयर करेंगे जिससे कि ये वीडियो हमारा सबसे ज़्यादा देखा गया वीडियो होगा। तो दर्शकों शुरू कीजिए शेयर करना और शुरू कीजिए वीडियो को लाइक करना, जिससे कि मेरा हौसला और भी बढ़ सके और मैं आपके लिए और भी बेहतर कार्य कर सकूं। और अगर आप चैनल पर इसी प्रकार की जानकारियां पाना चाहते हैं, आगे और भी औषधीय फसलों के इस सीरीज में आपको वीडियो मिलेंगे, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।